बिहार की सियासत में जबरदस्त हलचल है। एक तरफ लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ पोस्टर वॉर छेड़ रखा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के साथ सूबे में गठबंधन की सरकार चला रही नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू विधायकों के लिए अगले 72 घंटे तक पटना में रहने का फरमान जारी किया है। सीएम नीतीश के फरमान के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। अगले 72 घंटे बिहार की राजनीति के लिए काफी अहम बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं और विधायकों के साथ लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। सीएम नीतीश की सक्रियता को देखते हुए सूबे में सियासी उलटफेर की चर्चा भी तेज हो गई है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार कर बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ सरकार बनाने की योजना बना रहे हैं? ऐसा माना जा रहा है कि इन सब सवालों का जवाब अगले 72 घंटों में मिल सकता है। सूबे की सियासत किस करवट बैठेगी, ये अगले 72 घंटों में तय हो जाएगा। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने एक दिन पहले भी पार्टी कार्यालय पर अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ ही पूर्व विधायकों से भी मुलाकात की है। इस बैठक के बाद नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर छापेमारी को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि जिसने रेड की है वही बता पाएगा। नीतीश के इस बयान को लालू परिवार की छापेमारी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने के तौर पर देखा जा रहा है।